फार्मा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रकाश प्रजापत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फार्मा कंसेप्ट फॉर कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट के टॉपिक अमीनो एसिड्स के इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन इस तरीके से डिस्कस करेंगे जिससे कि सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। वीडियो के अंत आपसे गोल्डन क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपका एक लाइक या एक कमेंट हमारे अंदर फिर से नए टॉपिक बनाने के लिए हमें एक नई एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें वे गोल्डन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। फ्रेंड्स, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज टॉपिक इज प्रोटीन्स कंटेंट। ऑप्शन ए ओनली एल अल्फा अमीनो एसिड, ऑप्शन बी ओनली डी अमीनो एसिड, ऑप्शन सी ओनली एल अमीनो एसिड एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो फ्रेंड्स, क्या आंसर होना चाहिए इसका? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि ओनली एल अल्फा अमीनो एसिड। फ्रेंड्स, अगर हम प्रोटीन के जनरल फॉर्मूले की बात करें तो द जनरल फॉर्मूला ऑफ अमीनो एसिड इज RCHNH2COOH and all naturally occurring amino acid have capital L configuration। Friends, यहाँ पे जब हम capital L या capital D configuration की बात करेंगे तो वहां पे नीचे वाले दो कार्बन है यानी लास्ट और सेकेंड लास्ट, उसमें H और OH की पोजिशन, और जब अमीनो एसिड की बात करें तो H और NH2 की पोजिशन देखेंगे। जैसा कि D अमीनो एसिड में आप देख रहे हैं H लेफ्ट हैंड साइड में है और NH2 राइट हैंड साइड में है। इसी तरीके से L अमीनो एसिड में देख रहे हैं आप NH2 आपका लेफ्ट हैंड साइड में है और H आपका राइट हैंड साइड में है। तो इसी के आधार पे हम D अमीनो एसिड और L अमीनो एसिड उनकी पोजीशन के आधार पर डिनोट करते हैं। कैपिटल L और कैपिटल D उनकी पोजीशन के आधार पर ही डिनोट किया जाता है, जबकि स्मॉल L और स्मॉल D किसी भी कंपाउंड के रोटेशन के आधार पर डिसाइड किया जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड इज। ऑप्शन ए ग्लाइसिन, ऑप्शन बी सीरीन, ऑप्शन सी थ्रियोनीन एंड ऑप्शन डी वेलिन। तो फ्रेंड्स, इनमें से ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड कौन सा है? तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि ग्लाइसिन। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें प्रोटीन की बेसिक यूनिट की तो उसकी बेसिक यूनिट होती है अमीनो एसिड्स एंड ऑल अमीनो एसिड हैव वन अमीनो ग्रुप एंड वन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, यानी उनके अंदर एक NH2 ग्रुप रहेगा और एक COOH ग्रुप रहेगा। द अमीनो ग्रुप इज अटैच्ड टू द अल्फा कार्बन, यानी जो COOH के पास में जो कार्बन है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं और वहीं पे अमीनो ग्रुप हमेशा प्रेजेंट रहता है, अटैच रहता है। तो जितने कितने भी आपके अमीनो एसिड होंगे वो क्या होंगे? अल्फा अमीनो एसिड। एंड द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड इज ग्लाइसिन। ग्लाइसिन हैव नो एनी किरेल कार्बन सो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। जैसा कि हम स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है जिसका फॉर्मूला है CH2NH2COOH। और फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं यहाँ पे COOH के पास में जो कार्बन है उसको हम अल्फा कार्बन कहेंगे और ये अल्फा अमीनो एसिड है। अब इस कार्बन के पास में जो चारों तरफ ग्रुप लगे हुए हैं वो डिफरेंट नहीं है, यानी कि दो ग्रुप सेम है वो है हाइड्रोजन एटम, इसलिए ये कार्बन किरेल कार्बन नहीं है। और कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कंपाउंड को क्या होना जरूरी है? किरेल कार्बन होना जरूरी है। तो इस ग्लाइसिन के अंदर कोई भी किरेल कार्बन नहीं होने की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और ये जो हमारे टोटल 20 अमीनो एसिड होते हैं उनमें से एकमात्र ऐसा अमीनो एसिड है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और इस वजह से ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है? तो ग्लाइसिन। ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड कौन सा है? तो ग्लाइसिन। तो आप इसे अच्छे से लर्न करेंगे। इसके साथ साथ हम आगे वाले स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, अगर हम किसी भी कंपाउंड में अल्फा बीटा गामा कार्बन डिनोट करते हैं तो COOH के जब पास वाला कार्बन है उसको हम अल्फा कार्बन कहेंगे, उसके जस्ट नेक्स्ट पास वाला बीटा कार्बन और उसके आगे वाला गामा कार्बन कहलाता है। तो उसी के नाम से उनको हम अल्फा बीटा और गामा कंपाउंड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड इज और आर। ऑप्शन ए सीरीन, ऑप्शन बी थ्रियोनीन,
ऑप्शन सी टायरोसिन एंड ऑप्शन डी ऑल। तो फ्रेंड्स इनमें से कौन से अमीनो एसिड्स हैं जिनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी ओएच ग्रुप पाया जाता है, तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी कि ऑल। फ्रेंड्स अगर हम अमीनो एसिड्स को डिवाइड करें तो जनरली तीन क्लास में इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट हो गया आपका न्यूट्रल अमीनो एसिड जो फर्दर चार पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। उसमें है सबसे पहला एलिफेटिक अमीनो एसिड्स जिसके एग्जाम्पल रहेंगे ग्लाइसिन, एलेनिन, सीरीन, थ्रियोनिन, वेलिन, ल्यूसिन, लाइसिन एंड आइसोल्यूसिन। इसी तरीके से सेकंड रहेगा हमारा एरोमेटिक अमीनो एसिड्स जिसके एग्जाम्पल रहेंगे फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफेन। इसी तरीके से हेटरोसाइक्लिक अमीनो एसिड्स जिसके एग्जाम्पल रहेगा प्रोलीन एंड सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स जिसके एग्जाम्पल रहेंगे सिस्टीन एंड मिथियोनिन। फ्रेंड्स इसी तरीके से हम सेकेंड कैटेगरी देखें तो वो है एसिडिक अमीनो एसिड जिसके एग्जाम्पल है एस्पार्टिक एसिड, एस्पेराजिन, ग्लूटामिक एसिड एंड ग्लूटामिन। इसी तरीके से थर्ड कैटेगरी रहेगी वो रहेगी बेसिक अमीनो एसिड जिसके एग्जाम्पल है आर्जिनिन, लाइसिन एंड हिस्टिडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स आर ऑप्शन ए मिथियोनिन एंड सिस्टीन, ऑप्शन बी फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन, ऑप्शन सी एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड एंड ऑप्शन डी ग्लाइसिन एंड एलेनिन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होना चाहिए, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि मिथियोनिन एंड सिस्टीन। फ्रेंड्स देयर आर टोटल 20 अमीनो एसिड फाउंड इन ह्यूमन बॉडी व्हिच पार्टिसिपेट इन प्रोटीन फॉर्मेशन एंड प्रोटीन कंटेंट सी एच ओ एंड नाइट्रोजन एटम। और अगर हम नाइट्रोजन एटम की बात करें तो जो प्रोटीन का टोटल मॉलिक्यूलर वेट होता है उसका लगभग 16% जो एटम्स रहेंगे वो नाइट्रोजन के एटम रहेंगे। मिथियोनिन जिसको हम MET से भी डिनोट करते हैं एंड सिस्टीन जिसको हम CYS से भी डिनोट करते हैं, ये दोनों सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। और अगर हम बात करें सिस्टीन की यानी CYSTINE जहां पे पीछे क्या लगा है INE इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिस्टाइन अमीनो एसिड। जो भी हमारा सिस्टाइन अमीनो एसिड है उसके अगर हम दो मॉलिक्यूल को कंबाइन कर दें तो हमारे जो डाइपेप्टाइड बनेगा उसको हम बोलते हैं सिस्टीन। तो आप CYSTINE यानी जहां पे सफिक्स INE लग रहा है वो आपका दो अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, जबकि EINE लग रहा है वो आपका एक सिंगल अमीनो एसिड है। तो आप इन दोनों को भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और आप इनको भी लर्न रखेंगे, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाता है जिससे कि स्टूडेंट कंफ्यूज होके इन दोनों में से किसी और को टिक कर दे और उसका आंसर गलत हो जाए, तो आपको ये चीज रिमेंबर रखनी है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें मिथियोनिन और सिस्टीन के स्ट्रक्चर की तो वो कुछ इस तरीके से रहते हैं, और सिस्टीन का जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया SSCH2CHNH2COH जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एन एरोमेटिक अमीनो एसिड इज ऑप्शन ए लाइसिन, ऑप्शन बी टायरोसिन, ऑप्शन सी टॉरिन एंड ऑप्शन डी आर्जिनिन। तो फ्रेंड्स एरोमेटिक अमीनो एसिड का कौन सा एग्जाम्पल होता है, तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि टायरोसिन। फ्रेंड्स आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड देयर आर 3 अमीनो एसिड्स व्हिच आर एरोमेटिक इन नेचर एंड दीज आर फिनाइल एलानिन जिसको हम PHE से डिनोट करते हैं, टायरोसिन जिसको हम TYR से डिनोट करते हैं एंड ट्रिप्टोफेन जिसको हम TRP से डिनोट करते हैं। अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो फिनाइल एलानिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, जो कि हमने केटाकोलामिन की बायोसिंथेसिस में भी पढ़ा था, इसका प्रीकर्सर फिनाइल एलानिन होता है और वही आगे जाके टायरोसिन बनाता है। और टायरोसिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है जिसमें ऑर्थो, मेटा और पेरा यानी पेरा पोजीशन पे आपका OH ग्रुप अटैच हो जाता है अगर फिनाइल एलानिन में, तो आपका वो टायरोसिन बन जाता है, जैसे कि हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ फिनाइल एलानिन प्रोड्यूस टायरोसिन। फ्रेंड्स अगर आप हमारा कैटेकोलामिन से संबंधित वीडियो भी देखना चाहते हैं तो ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करें या फिर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। नेक्स्ट बात करें हम ट्रिप्टोफेन की तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, जो कि जिसमें कि हेटरोसाइक्लिक रिंग साथ में होती है, यानी कि ऐसा अमीनो एसिड जो कि एरोमेटिक भी है और साथ में हेटरोसाइक्लिक रिंग भी रखता है, तो आपका रहेगा ट्रिप्टोफेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एन एग्जाम्पल ऑफ हेटरोसाइक्लिक अमीनो एसिड इज ऑप्शन ए प्रोलीन, ऑप्शन बी ग्लूटामिक एसिड, ऑप्शन सी एस्पेराजिन एंड ऑप्शन डी आर्जिनिन। तो फ्रेंड्स इसका क्या आंसर होना चाहिए, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए प्रोलीन। यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं
उसके अनुसार एकमात्र प्रोलीन ही ऐसा ऑप्शन है जो कि हेटरोसाइक्लिक अमीनो एसिड के अंदर आएगा। फ्रेंड्स प्रोलीन एंड हिस्टिडीन जो कि एक बेसिक अमीनो एसिड है उसके अंदर भी हेटरोसाइक्लिक रिंग होती है, और इसके साथ साथ अभी जो हमने देखा था ट्रिप्टोफैन उसमें भी हेटरोसाइक्लिक रिंग होती है। प्रोलीन इज ओनली अमीनो एसिड विच डज नॉट हैव फ्री अमीनो ग्रुप। प्रोलीन एकमात्र ऐसा अमीनो एसिड है जिसके अंदर अमीनो ग्रुप फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है, बट ओनली ए बेसिक पाइरोलिडिन रिंग इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। इट इज ओनली अमीनो एसिड विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाई जनरल फॉर्मूला RCHNH2COH। यानी हम बोलते हैं कि सारे अमीनो एसिड के अंदर जो जनरल फॉर्मूला रहता है वो है RCHNH2COH, जबकि प्रोलीन में ऐसा नहीं है। ये एक प्रकार से इसका एक्सेप्शन है। प्रोलीन अमीनो एसिड डज नॉट फॉर्म अल्फा हेलिक्स। अगर हम प्रोलीन का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से है, जिसके अंदर पाइरोलिडिन रिंग प्रेजेंट है और इसका नाम रहेगा पाइरोलिडिन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर कोई भी अमीनो ग्रुप फ्री फॉर्म में नहीं है, जो NH ग्रुप है वो पाइरोलिडिन हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर ही है, और साथ साथ में इसके अंदर कोई भी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनने के चांसेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। एन एसेंशियल अमीनो एसिड इन मैन इज ऑप्शन ए एस्पार्टेट, ऑप्शन बी टायोसिन, ऑप्शन सी मेथियोनिन एंड ऑप्शन डी सिनिन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होना चाहिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज मेथियोनिन। फ्रेंड्स एसेंशियल अमीनो एसिड या इनडिस्पेंसेबल अमीनो एसिड की बात करें तो दीज आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, यानी इनका डी नोवा सिंथेसिस नहीं होता है एट ए रेट ऑफ इट्स डिमांड। जैसी इसकी रिक्वायरमेंट रहती है उसके अनुसार इसका डी नोवा सिंथेसिस नहीं होता है। एंड मस्ट बी टेकन इन डाइट, इनको हमेशा डाइट के साथ में लिया जाता है क्योंकि ये बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट हम डाइट के साथ पूरी करते हैं, इसलिए ये हमारी बॉडी के लिए डाइट के साथ लेने के लिए एसेंशियल है, इसलिए इनका नाम एसेंशियल अमीनो एसिड रखा गया है। देयर आर 10 एसेंशियल अमीनो एसिड इन ह्यूमन। अगर हम इसको लर्न करें तो इसके लर्न करने की ट्रिक है टीवी मिल पाथ, यानी टीवी MILLNPATH। अब देखते हैं हम इसका एक्सपेंशन। टी फॉर ट्रिप्टोफेन, वी फॉर वेलिन, एम फॉर मिथियोनिन, आई फॉर आइसोल्यूसिन, एल फॉर लाइसिन एंड नेक्स्ट एल फॉर ल्यूसिन। इसी तरीके से पी फॉर फिनाइल एलेनिन, ए फॉर आर्जिनिन, टी फॉर थ्रियोनिन एंड एच फॉर हिस्टिडीन। तो इस तरीके से हम 10 एसेंशियल अमीनो एसिड को लर्न कर सकते हैं, यानी कि टीवी मिल पाथ से। फ्रेंड्स अगर हम इसमें से सेमी एसेंशियल की बात करें, यानी कभी कभी जो हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड रहते हैं और जनरली बॉडी में बन भी जाते हैं, तो उसमें से ही दो एग्जांपल ऐसे हैं जो सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड है, वो इनमें से है हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ग्लूटाथायोन ए ट्राइपेप्टाइड कंटेन 3 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड दीज आर। इन ग्लूटाथायोन के अंदर 3 टाइप के अमीनो एसिड रहते हैं और वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए ग्लूटामिक एसिड सिस्टीन एंड ग्लाइसिन, ऑप्शन बी ग्लूटामिक एसिड ग्लाइसिन एंड प्रोलीन, ऑप्शन सी ग्लूटामिक एसिड सीरीन एंड ग्लाइसिन एंड ऑप्शन डी ग्लूटामिक एसिड सिस्टाइन एंड ग्लाइसिन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होना चाहिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि ग्लूटामिक एसिड सिस्टाइन एंड ग्लाइसिन। जैसा कि हम देख पा रहे हैं सिस्टीन उन्होंने जो पहला ऑप्शन में दिया था वो स्टूडेंट का कंसेप्ट डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ऐसा ऑप्शन डाला है कि स्टूडेंट को पता है कि नहीं है सिस्टीन और सिस्टाइन में क्या फर्क है, जैसा कि हमने पहले बता दिया था। फ्रेंड्स बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट संबंधित हमने और भी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आ रहे लिंक पर क्लिक करें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करके देखें। नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्लूटामिक एसिड के बारे में ही। इट इज ए पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट व्हिच मेक द एंजाइम इन एक्टिव स्टेट। ये एंजाइम को एक्टिव स्टेट में बनाए रखता है बाय प्रिवेंटिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ देयर SH ग्रुप्स टू SS ग्रुप। यानी जो सल्फाहाइड्रिल ग्रुप होता है SH उसका ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है डाइसल्फाइड ग्रुप में, जिससे कि एंजाइम एक्टिव स्टेट में रहते हैं और अपना काम करते हैं। इट इज ए ट्राइपेप्टाइड कंटेनिंग ग्लूटामिक एसिड सिस्टाइन एंड ग्लाइसिन एंड इट इज नेचुरली फाउंड इन बॉडी सेल्स दैट न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल and boost the immune system and detoxify the body. Next question देखते हैं, question number 9. A ketogenic amino acid is option A glycine, option B leucine, option C valine and option D cysteine. तो friends इनमें से ketogenic amino acid कौन सा है? तो आपका answer रहेगा
ऑप्शन बी यानी कि ल्यूसीन। फ्रेंड्स ल्यूसीन एंड लाइसीन आर कीटोजेनिक अमीनो एसिड विच आर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल को एंजाइम ए। ये हमेशा डायरेक्टली बॉडी में जब मेटाबोलाइज होते हैं तो एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होते हैं और यही एसिटाइल को एंजाइम ए प्रीकर्सर होता है कीटोन बॉडीज का, इसलिए हम इसको इन दोनों को कीटोजेनिक अमीनो एसिड बोलते हैं। फ्रेंड्स ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड की बात करते हैं तो ये डायरेक्टली बॉडी में कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में और हमारी बॉडी में जो 20 अमीनो एसिड है उनमें से 13 अमीनो एसिड ग्लाइकोजेनिक नेचर के होते हैं। 2 अमीनो एसिड प्योर कीटोजेनिक नेचर के हो गए और रिमेनिंग जो 5 अमीनो एसिड बचे यानी PITTT फिनाइलएलानिन आइसोल्यूसिन थ्रियोनिन ट्रिप्टोफैन एंड टायोसिन ये ग्लाइकोजेनिक और कीटोजेनिक दोनों नेचर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अमीनो एसिड इन सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस ऑप्शन ए एनायंस ऑप्शन बी कैटायंस ऑप्शन सी ज्विटर आयंस एंड ऑप्शन डी नॉन आयोनिक इन नेचर। तो फ्रेंड्स अमीनो एसिड अगर सॉल्यूशन में हो तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी कि ज्विटर आयंस। फ्रेंड्स अमीनो एसिड्स आर कलरलेस क्रिस्टलाइन जनरली सोल्यूबल इन वाटर स्लाइटली सोल्यूबल इन एल्कोहल एंड इनसोल्यूबल इन ईथर्स। फ्रेंड्स अगर हम बात करें टायरोसिन की तो ये एकमात्र ऐसा अमीनो एसिड है जो हॉट वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है और सिस्टाइन की बात करें तो ये हॉट वाटर के अंदर भी सोल्यूबल नहीं होता है। एंड ऑल अमीनो एसिड्स आर डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग। ऑल नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स आर लिबरेटरी इन नेचर एक्सेप्ट ग्लाइसिन जो हमने पहले देखा था पहले क्वेश्चन के अंदर, यानी ग्लाइसिन एकमात्र ऐसा अमीनो एसिड था जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव था इसलिए ये कोई भी रोटेशन नहीं दिखा रहा था, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर रहा था। बाकी जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं ग्लाइसिन के अलावा सारे के सारे लिवो रोटेटरी नेचर के होते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप विच आर रेडिली आयोनाइजेबल द बिहेवियर इज एम्फोटेरिक इलेक्ट्रोलाइट एंड प्रोड्यूस बोथ एनायन एंड कैटायन इन सॉल्यूशन और उसी को हम बोलते हैं ज्विटर आयन। ये ज्विटर आयन का फॉर्मेशन होता है वो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच को होता है और हर एक अमीनो एसिड के लिए आइसोइलेक्ट्रिक पीएच डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं यहाँ पे NH3 पर प्लस ग्रुप लगा हुआ है यानी पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है यानी कैटायन लगा हुआ है और COO पर माइनस चार्ज लगा हुआ है यानी एनायन चार्ज लगा हुआ है। तो अगर ये सॉल्यूशन फॉर्म में होगा तो इसी तरीके से कैटायन और एनायन दोनों फॉर्म शो करेगा यानी इसी को हम ज्विटर आयन बोलेंगे जैसा ये स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, तो आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब वक्त आ गया है आज के गोल्डन क्वेश्चन का। द गोल्डन क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज एन एग्जांपल ऑफ सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स ऑप्शन ए ट्रिप्टोफैन ऑप्शन बी टायरोसिन ऑप्शन सी हिस्टिडीन एंड ऑप्शन डी वैलिन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाले सभी वीडियोज आपको सही समय पर मिलते रहें। मैं राम प्रकाश प्रजापत आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स।